आप बिस्तर पर ज्यादा देर नहीं टिक पा रहे हैं। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। अगर आपकी बॉडी जल्दी स्पर्म रिलीज कर रही है तो ये भी कहीं ना कहीं टेस्टोस्टेरोन लो होने का सबसे बड़ा साइड इफेक्ट है। प्यारी समझ गई। ऑलराइट, हाउ टू बूस्ट योर टेस्टोस्टेरोन। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा 6 ऐसे तरीके जिससे आप अपने टेस्टोस्टेरोन को नेचुरली बूस्ट कर सकते हैं। आपको किसी भी सप्लीमेंट या किसी भी इंजेक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस वीडियो को आपको एंड तक देखना है। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे जिन लोगों को नहीं पता है कि टेस्टोस्टेरोन क्या है और आपके लिए टेस्टोस्टेरोन क्यों जरूरी है और अगर आपके टेस्टोस्टेरोन कम है तो उसके क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं टेस्टोस्टेरोन क्या है। टेस्टोस्टेरोन हमारी मेल बॉडी का सबसे इम्पोर्टेंट मेल हार्मोन है जो हमारी सेक्सुअल हेल्थ को डिफाइन करता है। और ये सिर्फ सेक्सुअल हेल्थ को ही डिफाइन नहीं करता, ये साथ में आपके बोन की क्या कंडीशन है, आपके सीमन का प्रोडक्शन भी टेस्टोस्टेरोन करता है और साथ में आपकी स्पर्म का प्रोडक्शन भी टेस्टोस्टेरोन करता है और आपकी जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनका प्रोडक्शन भी टेस्टोस्टेरोन करता है। आपकी मसल ग्रोथ में भी टेस्टोस्टेरोन ही हेल्प करता है। तो अब आप समझ चुके होंगे कि टेस्टोस्टेरोन का हाई होना आपके हमारी मेल बॉडी के लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अब हम बात करते हैं कि आपको ये कैसे पता चलेगा कि आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल कम है या नहीं। तो इसके लिए आप टेस्ट भी करा सकते हैं, लेकिन अगर आप टेस्ट नहीं कराना चाहते हैं तो इसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी हैं। तो मैं इस वीडियो में आगे आपके साथ शेयर करूंगा 10 ऐसे साइड इफेक्ट्स जिससे आप पता लगा सकते हैं कि आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल कम है या नहीं। तो सबसे पहला साइड इफेक्ट है आपका हेयर लॉस। अगर आपके बालों का झड़ना स्टार्ट हो चुका है या आपके बालों की ग्रोथ स्लो हो रही है तो ये भी एक साइड इफेक्ट हो सकता है आपकी लो टेस्टोस्टेरोन का। और बात करते हैं सेकंड साइड इफेक्ट की। सेकंड साइड इफेक्ट है लो सेक्स ड्राइव। अगर आप बिस्तर पर ज्यादा देर नहीं टिक पा रहे हैं। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। अगर आपकी बॉडी जल्दी स्पर्म रिलीज कर रही है तो ये भी कहीं ना कहीं टेस्टोस्टेरोन लो होने का सबसे बड़ा साइड इफेक्ट है। प्यारी समझ गई। तो अब बात करते हैं तीसरे साइड इफेक्ट की। तीसरा साइड इफेक्ट है लो सीमन वॉल्यूम। अगर आपकी सीमन की वॉल्यूम बहुत कम है। चौथा है लो मसल मास। अगर आपके मसल्स का साइज नहीं बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं ये भी एक इंडिकेट कर रहा है कि आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल लो है। तो फिफ्थ साइड इफेक्ट है इंक्रीज बॉडी फैट। तो सिक्स साइड इफेक्ट है डिक्रीज बोन मास। तो सेवन पॉइंट है मूड चेंजेस। एट साइड इफेक्ट है इफेक्टेड मेमोरी। अगर आपकी याददाश्त कमजोर हो चुकी है, आप बहुत जल्दी कुछ भी याद करते हैं भूल जाते हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं टेस्टोस्टेरोन कम होने की वजह से हो सकता है। नाइन्थ साइड इफेक्ट है लो ब्लड काउंट। टेंथ साइड इफेक्ट है वीक स्ट्रेंथ। अब हम बात करेंगे कि आप अपने टेस्टोस्टेरोन को कैसे नेचुरली बूस्ट कर सकते हैं। तो मैं आपके साथ दो नेचुरल सप्लीमेंट्स शेयर करूंगा, अश्वगंधा एंड शिलाजीत। अश्वगंधा को आप विंटर में कंज्यूम कर सकते हैं ल्यूक वार्म मिल्क के साथ, जिसकी क्वांटिटी होगी 1 to 5 ग्राम। सेकेंड है शिलाजीत, जिसको आप समर में कंज्यूम करेंगे, 1 to 5 ग्राम क्वांटिटी होगी गर्म दूध के साथ। सेकेंड पॉइंट है आपकी डाइट, व्हाट टू ईट व्हाट टू अवॉइड। आपको क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। अरे बात कर लेते हैं कि आपको अपनी डाइट में ये फूड्स इंक्लूड करने हैं। तो पहले घी, पनीर, ड्राई फ्रूट्स, कोकोनट, राजमा, काले चने, छोले, मशरूम्स, सीड्स, होल ग्रेन्स एंड ग्रीन वेजिटेबल्स। अगर आपकी डाइट में ये सारे फूड्स हैं तो आपको किसी भी सप्लीमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब बात करते हैं कि आपको क्या अवॉइड करना है। आपको अल्कोहल एंड शुगर को अवॉइड करना है। थर्ड पॉइंट है सनलाइट। अगर आप किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपको विटामिन डी की कैप्सूल्स लिख देता है। विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत है सूर्य की किरणें। सुबह 9 बजे से पहले 20 मिनट आप धूप में बैठे, आपकी विटामिन डी की कमी पूरी होगी और साथ में ये आपके कोर्टिसोल लेवल को कम करेगा और आपका टेस्टोस्टेरोन हाई होगा। तो फोर्थ पॉइंट है स्ट्रेस। तो ये भी आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल को कम करता है, इसलिए आपको कोशिश करनी है कि आप ज्यादा से ज्यादा खुश रहें। तो पांचवा तरीका है वेट ट्रेनिंग। आपको हफ्ते में 4 से 5 दिन वेट ट्रेनिंग जरूर करनी चाहिए और वेट ट्रेनिंग में आपको लेग्स को भी इंक्लूड करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड सिक्स पॉइंट है लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्लीप। एक अच्छी क्वालिटी की स्लीप 7 से 8 घंटे आपको जरूर लेनी चाहिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपका कोई भी गोल है। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बाय, टेक।